जीटीबी अस्पताल में रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान। कार्ड नहीं बनने से मरीजों को लौटाया जा रहा है घर। मरीजों के समय और पैसा दोनों का हो रहा है नुकसान। पूर्व दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक का कहना, सरकार की गाइडलाइन का करेंगे पालन, 50% की क्षमता करने से हुआ है घाटा। कोरोना नियमों पर लोगों ने कहा, दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर। गांधीनगर में जीएसटी बढ़ाने को लेकर कपड़ा व्यापारियों की हुई मीटिंग। जीएसटी बढ़ने से व्यापारी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों कहना, जीएसटी पर फैसला गलत। बजट सत्र को लेकर समिति के सदस्यों ने रखे सुझाव। पार्षदों ने कहा, टैक्स के बढ़ने से लोगों को होगी परेशानी। निगम के पार्क पर डाली जाए कूड़े से बनी खाद। सीएसआर फंड से होंगे कई फायदे। और गाजीपुर बॉर्डर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला। सड़कें टूटने से धूल मिट्टी से लोगों को परेशानी। लोगों का कहना, रास्ता खुलने से मिली है बहुत सहूलियत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जीटीबी अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को अस्पताल में इलाज लेने से पहले कार्ड बनवाना पड़ता है, लेकिन कार्ड नहीं बनने से लोगों को घर वापस लौटाया जा रहा है, जिससे कि इलाज नहीं मिल पा रहा है और साथ ही समय और पैसा दोनों का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। काफ़ी दिक्कत है, जैसे पर्चे बन जाते हैं तो ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलते और फिर उसकी वजह से एक ही डॉक्टर बैठे हुए हैं। भीड़ है काफ़ी, हाँ काफ़ी भीड़ है। जैसे कोरोना के चलते बोलते थे ना कि 1 मीटर दूर खड़े होना, उसका तो बिल्कुल ही कोई पालन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। उसकी वजह से काफी ऊपर भीड़ भी है और ना देख रहे यार, नहीं देखे ढंग से, नहीं देखे। डॉक्टर कम भी मिल रहे हैं क्या? कम भी काहे को, कहूँ भीड़ आ रही है डॉक्टर की तो। हाँ, हड़ताल की वजह से यही है कि मतलब देख नहीं रहे, देखभाल नहीं आ रही, मरीजों को बेचारे को परेशानी आ रही है, खराब खर्चा फूके आते हैं। परेशानी क्या है कि बताओ, बात क्या है, क्या कि हमें ना हड़ताल चल रही है बोल के भेज देते हैं और यहाँ पे एक दो डॉक्टर बैठे, कान का तो यहाँ पे बैठा ही नहीं है। काफ़ी 2-3 हफ्ते से आ रहे हैं तो कान के तो डॉक्टर बैठ रहे नहीं है, कहते 25-26 में, 1 महीने से चल रही है हड़ताल। पर्चा तो बन जाता है, उनका भी टाइम होता है कि इतने बजे तक पर्चा बनाएंगे। हम जो जूनियर डॉक्टर बैठे हैं ना, वो कुछ देखते हैं मरीजों को, कुछ को भेज देते हैं। थायराइड बड़ा हुआ आया है। डॉक्टर ने देखा या नहीं? नहीं, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? है ही नहीं डॉक्टर तो देखेंगे। तो बस थोड़ी सी यही दिक्कत हो रही है, डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए, अब इसी चक्कर में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब अचानक इमरजेंसी में लाना पड़ा, बस यही है कि सब डॉक्टर उठ गए तो पर्चियों पे स्टैंप भी नहीं लगाई, तो इस चक्कर में पहले 10 नंबर में गए अंदर, वहाँ तो देखा नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अब यहाँ गायनाइक में देख रहे। अच्छा। अंदर तो गए, अब देखते डॉक्टर देखते हैं या नहीं। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सरकार सजग हो गई है। प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी लोगों का जमावड़ा नहीं होने दें। दिल्ली के हर बाजार में नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू किया गया है। सरकार ने रेस्टोरेंट बार इवेंट और कल्चरल प्रोग्राम्स पर किसी भी तरह की गैदरिंग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट बार में 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने रेस्टोरेंट्स के मालिक से बात की तो सरकार उनका कहना है कि सरकार का जो भी नियम है उसका हम पालन करेंगे। 50% की क्षमता के साथ हमको काफ़ी घाटा हो रहा है। सरकार जो भी फैसला ले रही है हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ता जा रहा है और 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट हम लोग चलाएंगे। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मार्केट में। 50% स्थिति जैसे हमारे सरकार ने कही है उस पर हम काम करेंगे। घाटा तो हमें है ही, क्योंकि अभी वैसे ही हमारा काम इतनी मुश्किल चालू हुआ था। एंटरटेनमेंट लाइन, फूड लाइन इतनी मुश्किल खुली है और सबसे पहले यही हिट करेगी। सर, इसको लेके हम इस तरीके से ही मैनेज करेंगे। अब जो हमारा सारा स्टाफ रहेगा वो तो सारा फुली वैक्सीन है, प्लस अब यही कर सकते हैं कि सारा स्टाफ मास्क में तो शुरू से ही रह रहा है, अब सैनिटाइज़र का प्रयोग दोबारा चालू करेंगे अच्छे से, ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, टेबल के अंदर दूरियाँ रखेंगे, जो होगा वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे अपने तरफ से। सरकार सही कह रही है,
अगर 50% सरकार को लग रहा है करना चाहिए तो ठीक है, हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग भी नहीं चाहते किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो हमारी वजह से। हम यही चाहेंगे कि जिस हिसाब से हम लोग चल रहे थे पहले, उस हिसाब से सारे प्रिकॉशंस हम फिर से लेंगे, जिससे कभी भी सरकार को भी और ना हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। पहले अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 90% आ रहे थे, अब वापस से वो वापस 45% की तरफ या 30% की तरफ जाएगा, क्योंकि लोगों में भी डर है इस चीज़। मेरे रेस्टोरेंट में पालन हो रहा है, मेरे सारे स्टाफ के पास ग्लव्स हैं, मेरे सारे स्टाफ सैनिटाइज करता है, हर समय हैंड वॉश करता है, उसके बाद खाना बनाता है, और आगे भी यही रहेगा। जब तक हम लोगों को खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक हम किसी और को भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों की वजह से दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने दिल्ली सरकार के इस आदेश के बारे में बात की तो लोगों का कहना था कि दिल्ली सरकार से बातें और प्रचार करती है, लेकिन जब सही मायनों में जनता की सुरक्षा की बात आती है तो हाथ खड़े कर देती है और जनता उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। जिस तरीके से दिल्ली की आज दयनीय स्थिति होती जा रही है, पहले भी लापरवाही केजरीवाल सरकार ने की और कोरोना के इतने केस बढ़ गए थे कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसी तरीके से आज जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है ये भी बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है इसकी संख्या अब 60 से और 100 के बीच में आंकड़ा पहुँच गया है। ये केजरीवाल सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। अगर अभी स्थिति जो है ये नहीं संभाली गई तो बहुत दयनीय स्थिति बन जाएगी। देखिए, दिल्ली सरकार की वर्तमान जो स्थिति है वो पंजाब में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में शराब के ठेके खोल रहे हैं। हम पहले कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हम दिल्ली में देख चुके हैं, कितने लोग दिल्ली की सड़कों पर मारे गए, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन वर्तमान में कोई ऐसी स्थितियां हमारे सामने नज़र नहीं आ रही हैं कि हम ओमिक्रॉन जो नया संक्रमण वेरियंट आ रहा है उसके लिए हम तैयार हैं। दिल्लीवासी परेशान हैं कोविड के मामले में, जो ओमिक्रॉन नया वायरस, नया वेरिएंट जो कोविड का आया है उसका दिल्ली में उसके सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो दिल्ली प्रथम नंबर पर है, और जबकि केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों के लिए कोई चिंता नहीं है, उन्हें उनका ध्यान सिर्फ पंजाब और गोवा, इन उत्तराखंड आदि राज्यों में चुनाव पर केंद्रित है। ईडीएमसी में स्थायी समिति की बैठक के दौरान बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। वहीं पार्षद गुंजन गुप्ता ने कहा कि लोगों की निगम की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाए, साथ ही ये भी कहा कि टैक्स को बढ़ाया जाए, साथ ही कहा ज्यादातर वार्ड में कंपोस्टर प्लांट लगाए जाने चाहिए, गीले कूड़े से बनी खाद को निगम के पार्क पर डालनी चाहिए। साथ ही सीएसआर फंड पर बात करते हुए कहा कि सीएसआर फंड से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष वीएस पवार ने कहा कि मेंबर्स ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे हमारी आय बढ़ेगी और हम इस पर काम भी कर सकेंगे। निगम की आय कैसे बढ़े, लगातार हम अपने पांव पे कैसे खड़े हों, गुंजन जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं उनसे हम कुछ लेते हैं, एक तो उनसे बात की जाए, सोलर सिस्टम रूफ टॉप की संख्या बढ़ाई जाए, जो हमने पीछे किया था 300 कुछ स्कूल के बजाय और इनको बढ़ाना चाहिए। जो हमारे कियोस्क हैं उन कियोस्कों को भी बढ़ाया जाए, जो पार्कों में दे रहे हैं खाली मिल्क बूथ के लिए, मिल्क बूथ के और भी हमने दूसरा हर्बल प्रोडक्ट के लिए या ऐसे प्रोडक्ट के लिए वो भी कियोस्क में देना चाहिए, उससे भी हमारी आय बढ़ेगी। तीसरा जो यूनिपोल है, बहुत सारे अवैध यूनिपोल चल रहे हैं, उन यूनिपोलों को हटा करके और अपने निगम यूनिपोल लगाए, उससे हमारी बहुत ज़्यादा आय बढ़ सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ टैक्स नहीं लगे हुए हैं, उनको अपने नेट में लाना। और लास्ट में एक अपने जो बहन जी ने, शशि जी ने विषय दिया था कि जो स्कूल हमारे हैं इनके रूफ टॉप पर भी सोलर लगाए जाए, और मेन आय का जो स्रोत हमारा है कार पार्किंग, जो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने भी सुझाव दिया था कि पार्किंग की बढ़ाई जाए, उनको नेट पे लाया जाए, उनको लोटिंग सर्विलांस सिस्टम से लगाया जाए ताकि हमारा रेवेन्यू ज्यादा मिले। इन 12 वार्ड्स का 100% गीला कूड़ा यहाँ पर खाद में परिवर्तित कर ले, ढलाकर उनकी मेंटेनेंस, वहां से फैलने वाली बदबू, मच्छर मक्खी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां
सभी को रोकने में ये कारगर होगा। उसी के साथ साथ गीले कूड़े से बनी खाद हमारे पार्कों में होने वाले एक्सपेंसेस को, व्यय को और भ्रष्टाचार को बचाएगी। एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल को हम यहाँ पर इजाद कर सकते हैं। सारी कंपनियां जो हमारी मदद कर सकती हैं रॉ मटेरियल के लिए, हम उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं बहुत कम दरों पर, वो हमारे को प्लास्टिक से निर्मित सामान बना करके दे सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से एकत्रीकरण करने का, सामाजिक दृष्टि से एक तरीका ये हो सकता है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में सेवा बस्तियों में काम करने वाली जो भी एनजीओज हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको हम इसमें जोड़ सकते हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए को लेकर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। मेयर का कहना है कि दिल्ली सरकार में फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन ना मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। दिल्ली सरकार हमारे साथ भेदभाव करते हुए हमारे कर्मचारियों को भी परेशान कर रही है। हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहाँ कहाँ हमारे पैसे की कटौती की है जो नहीं होनी चाहिए थी। हम लोगों को तनख्वाह देनी होती है और तनख्वाह में किसी कर्मचारी की हम तनख्वाह नहीं काट सकते। जितना पैसा उनको तनख्वाह की एवज में या अन्य मदों में देना था, उन्होंने हमारी कटौती क्यों की वो बताएं। हमारे रिकॉर्ड हैं। वो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही निगम के प्रति नहीं है, ना निगम की जो सेंटर के प्रति है। हमारे जो एजेंसी है जिससे हमें पैसा मिलता है, केवल दिल्ली सरकार है, उन्हें हमारे हक का पैसा देना चाहिए, हमें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे टीचर्स को हम लोग तनख्वाह नहीं दे पाए, हम लोग अपने डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दे पाए, उच्च अधिकारी तनख्वाह नहीं दे पाए, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह पेंडिंग है। तो इन सबकी तनख्वाह देने में पैसा चाहिए। अगर वो कहते हैं कि तनख्वाह दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, हमारे सामने बैठे हैं, बताए कहाँ दिया है आपने, आपने जो कटौती की है सब रिकॉर्ड है। आप हमें जवाब दिए, वैसे दूर बैठ के बात नहीं होगी, आप आ जाइए, हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे कि पैसा कहाँ पे आपने हमें नहीं दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को परेशान मत कीजिए। कई कई लोगों के यहाँ चूल्हा जलना बंद हो गया, खाना बनना बंद हो गया है, आप इनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। आगे आपको वाली बातें करें, सामने बैठ के कीजिए, दूर के छुप के बात मत कीजिए। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ों पर GST बढ़ाने को लेकर व्यापारियों की लगातार मीटिंग चल रही है। GST बढ़ने से कपड़ा व्यापारी नाराज हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। गांधीनगर के रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष KK बल्ली का कहना है कि कपड़े पर GST बढ़ाना बिल्कुल गलत है और इसे वापस नहीं लिया गया तो जल्दी सभी व्यापारी बंद के ऐलान पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में सभी इकट्ठे होकर एक दिन की बंद की कॉल करें, क्योंकि GST पहली तारीख से 5% से बढ़कर 12% होने जा रहा है। तो उसके लिए सबका ये कहना था कि हम अपनी अपनी बैठकें करके उस दिन जल्दी ही इसका फैसला करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक तय हो जाएगा कि किस दिन दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट और कपड़ा उद्योग बंद रहेगा। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि भाई पहली तारीख से पहले दिल्ली की तरफ से एक अच्छा विरोध का मैसेज जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में या इस वक्त हफ्ते के अंत में एक दिन के लिए दिल्ली बंद रहेगी, जिसमें कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट की सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी विरोध के समर्थन में है, क्योंकि 5% से 12% का मतलब है कि 7% कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट महंगा हो जाना। और पहले से ही, जैसा मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, कि पिछले 6 महीने में कपड़ा 25% से 30% तक महंगा हो चुका है, उसमें 7% का बोझ और बढ़ जाएगा। उससे निश्चित रूप से आम आदमी, जो कि कपड़ा तो सभी ने पहनना है, सबके ऊपर और इसको महंगे रूप में पैसे देने पड़ेंगे। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर में ट्रैफिक पूरी तरह खुल गया है, लेकिन अगर आपकी नोएडा की तरफ जाना है तो आप वहां से यू टर्न लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते में सड़क टूटी हुई है, जिससे कि वहां सड़क पर धूल मिट्टी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पहले काफी समय लगता था, लेकिन अब समय कम लगता है। आपको बता दें, किसान आंदोलन की वजह से लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था, तब से रास्ते बंद थे, लेकिन अब किसानों की घर वापसी हो गई है। सारी सड़कें गाजीपुर बॉर्डर की खुल चुकी हैं। नहीं, जिस टाइम पे किसान आंदोलन था, जब किसान सारे रोड पे बैठे हुए थे, तो मेरा ऑफिस का रूट भी वही था, सेक्टर 62 मेरा ऑफिस था, तो जाते टाइम तो कोई परेशानी होती थी वो, क्योंकि रोड के एक साइड बैठे हुए थे। हाँ, बट जब शाम को इवनिंग में हम वापस आते थे रोड पे, तो इवन जो
आधे घंटे का रास्ता हमें डेढ़ दो घंटे का पहुँचने में लग जाते थे। अब कितना समय लगता है? नहीं, अब तो बिल्कुल क्लियर है, अब तो ऐसा समय नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा उनके एक साल बैठने की वजह से जो रोड की हालत है वो थोड़ी खराब हो गई है, तो उसके गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रोड जल्दी से ठीक कराए क्योंकि ट्रैफिक था। गाजीपुर से भैया आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये किसान बैठे थे और इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था तब तो दिल्ली आना जी का जंजाल था। चाहे वो मुर्गा मंडी से घूम के आए, सारी सड़कें टूटी हुई थी, जाम का माहौल था, और आने में कम से कम इंदिरापुरम से पौने से एक घंटा लगता है, और चाहे वैशाली से घूम के आ जाएं। अब कितना समय लगता है? अब 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट में मैं इंदिरापुरम से निकलता हूँ अपने एटीएस एडवांटेज से और 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। गाजीपुर पे पहले तो काफ़ी ट्रैफिक, जब किसानों की वजह से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, लेकिन जब से खुला है तो काफ़ी राहत मिली है आने जाने की। पहले जाने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन आने में बहुत सारी परेशानियाँ थी, बट हाँ अभी थोड़ी सी रोड की परेशानियाँ हैं, रोड टूटा है, जो उन्होंने कैंप लगाए हुए थे उसकी वजह से रोड टूटी हुई है, वो अभी फेस करनी है, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सारा। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी पर बने नाले के पास फैले कूड़े से आग लग गई, आग से हर तरफ धुआं धुआं फैल गया। आग का धुआं फैलने से लोगों को काफी समय तक धुएं से आंखों में जलन होती रही और सांस लेने की समस्या से जूझना पड़ा। आग इतनी भयंकर थी कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि आग कैसे लगी या फिर आग लगाई गई, इसकी जाँच की जाएगी। ये कूड़ा जी, मैं तो दो तीन बार निकल गया यहाँ से, काफ़ी देर से देख रहा हूँ धुआं धुआं हो रहा है, और जिस टाइम भी हम रेड लाइट पे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ना, कौन आग जला के चला गया, कूड़ा कौन जला के चला गया है। ये भी जला, सुबह जला था एक बार, सुबह जलने के बाद दोबारा फायर ब्रिगेड गाड़ी बुलाई है, वो भुजवा दी थी, और दोबारा फिर जल गई। एक मेंटली डिस्टर्ब है कोई, तो वो बार बार आग लगा रहा है। दोनों तरफ, इस साइड भी उस साइड भी। अभी फायर ब्रिगेड को कम से कम आधे घंटा होगा फ़ोन करे हुए, अब तक पहुंची नहीं है। बहुत ज़्यादा हो रही है, आज से नहीं पहले से हो रही है, तो कई दिन से परेशानी चल रही है। सुबह भी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आग बुझा के गए। मैं एमसीडी से अजय कुमार हूँ। अच्छा। मेरी ये रेड लाइट पे टूटी है, तकलीफ आँखों में जलन है, पेट में वो फेफड़ों में दिक्कत है, ये सब कुछ दिक्कत हो रही है। अभी आग थोड़ी देर पहले लगी, अभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हमने, गाड़ी आ रही है जाने के लिए, आधा घंटा हो गया करीब। धुएं की परेशानी हो रही है ट्रैफिक में, हाँ ट्रैफिक तो घट ज़्यादा है यहाँ पर, ये फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर आता ना भाई। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। एसएचओ हीरालाल के नेतृत्व में एक टीम को गठित किया गया, जिसने चेकिंग के दौरान गौरव नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, जो प्रीत विहार में आए दिन मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। पूछने पर पता चला कि गौरव पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी टाइम पूछने के बहाने गले में ब्लेड लगाकर मोबाइल छीन लिया करता था, जिससे इलाके में लोग काफी परेशान हो गए थे, दहशत में थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी से कई और मामले भी खुल पाए हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।